आज आपकी सरकार के वकील ने कलकत्ता हाई कोर्ट को क्या बताया, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। आपके सरकारी वकील ने बोला कि जो डेमोलिशन का काम था वो घटना स्थल के पास नहीं हुआ। कोर्ट ने क्या बोला, आपको जल्दी क्या थी, अर्जेंसी क्या थी? फिर आपकी सरकारी वकील ने बोला कि सर जो घटना हुई वो उसके पास है ही नहीं। कोर्ट ने बोला आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, वहां कोई लेडीज वॉशरूम नहीं है, आपका पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट कुछ नहीं करता इस मामले में, यहां अचानक इतनी अर्जेंसी के साथ आपने काम क्यों किया? वी विल क्लोज डाउन द हॉस्पिटल, हम अस्पताल को बंद कर देंगे। आप बताइए मरीजों को क्या दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर कर दे? कोर्ट इतना नाराज था कि उन्होंने कहा कि पूरी अव्यवस्था छा गई है, हम अस्पताल को बंद करने को तैयार है। सर आप भाजपा को चुप करा दीजिए, आप वामपंथियों को चुप करा दीजिए, आप कांग्रेस को बोल दीजिए कि वो आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, आप डॉक्टर को बोल दीजिए कि वो तथ्यों पे नहीं बात कर रहे हैं, आप कोर्ट को तो नहीं झुठला सकते ना। कोर्ट आपसे सवाल पूछ रहा है, पुलिस गायब, कंस्ट्रक्शन अचानक शुरू हो जाता है, प्रिंसिपल सवाल नहीं पूछे गए, कुछ तो गलत कर रहे होंगे ना आप, या हर कोई झूठा? कोर्ट में जाने से पहले पद्मजा, कोर्ट में जाने से पहले प्रोटेस्टर्स के डिमांड के हिसाब से हाथ लगाया गया था और दो दिन के बाद जल्द से जल्द बंद कर दिया गया था। और अगर इसमें कोई कोताही होती है तो कोर्ट की जो कोताही की गई है, कोर्ट ने जो पटकार लगाया है वो हमें कबूल है, वो बिल्कुल सही है। मगर मैं बार बार आपसे अभी भी इस चैनल बैठ कर कह रहा हूँ, अगर स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अगर बैकअप कर रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। तो आसिफ उर रहमान, सिर्फ एक सवाल आपसे पूछूंगी, फिर मैं वापस डॉक्टर गोस्वामी और शहजाद पूनावाला को चर्चा में लेकर के आऊंगी। सिर्फ एक जहां पर कोताही की गई है हम साथ में। अब कोर्ट फटकार नहीं लगा रही है, ये जो आज कोर्ट ने बोला है ये फटकार से कहीं ज्यादा है। एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ स्टेट मशीनरी, यानी कि आपकी सरकारी व्यवस्था ठप पड़ चुकी है। वो ये नहीं कह रही कि गलती, मैं नहीं कह रही, कोर्ट ने बोला है, वो आप कह रही। ये कोर्ट के शब्द हैं सर, कोर्ट कह रहा है वो ठीक है, मैं कोर्ट के शब्द आपको पढ़ के सुना रही हूँ। एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ स्टेट मशीनरी मतलब आपकी सरकार काम नहीं कर रही है। कोर्ट के साथ अपील वापस से हो सकती है। अगर सरकार काम नहीं कर रही है तो सरकार पर भरोसा कैसे किया जाए? अगर ये प्रचार भी करेंगी ना, बंगाल की जनता जानती है क्या हो रहा है और उनकी नाराजगी बिल्कुल जायज है। सर जो सड़कों पर निकले हुए हैं वो बंगाल की ही जनता है, जो सड़क पर खड़े हुए हैं उनमें से कई तो आपके वोटर हैं। शांतनु सेन तो आपके सांसद रहे हैं, और सुकेंदु शेखर रॉय तो अभी भी आपके सांसद हैं। शांतनु सेन की जो धर्मपत्नी है वो भी सड़क पर निकली हुई है, ये आपके लोग हैं जो आपके खिलाफ खड़े हैं। तो मैं तो आपसे कह रहा हूँ खिलाफ नहीं है, नाराज है, खिलाफ नहीं है, हमारे खिलाफ कोई नहीं है, नाराजगी है। ठीक है, एक कमेंट शहजाद पूनावाला से, फिर मैं दोबारा डॉक्टर सुबर्णा गोस्वामी के पास जाऊंगी। शहजाद पूनावाला, देखिए मैं कुछ तारीफों के पुल बांध देते हाईकोर्ट ने संदीप घोष के लिए, उसके लिए पढ़ के सुनाता हूँ। पैरा 25, वी हैव एडवाइस लर्नेड एडवोकेट अपेयरिंग फॉर स्टेट फॉर प्रोफेसर संदीप कुमार घोष टू डायरेक्ट हिज क्लाइंट इमीडिएटली प्रोसीड ऑन लीव, फेलिंग विच द कोर्ट विल बी कंपेल्ड टू पास नेसेसरी ऑर्डर्स। वहाँ के स्टूडेंट्स कह रहे थे इसको हमारे प्रेमिसिस से निकालो, तो ममता दीदी ने उनको बड़े प्रेमिसिस में डाला, कोर्ट ने बोला इसको यहाँ से बाहर निकालो। और शांतनु सेन बोल रहे, भाई शांतनु सेन पद्मजा जी इज वन ऑफ द मोस्ट सीनियर लीडर्स। और आखिरी बात पद्मजा जी, क्योंकि आपके शो पे पहली बार आने का मौका मिला है तो मैंने सोचा थोड़ा आर्टवर्क लेकर आता हूँ, ये आर्टवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड आर्ट ऑफ साइलेंस। आर्ट ऑफ साइलेंस देखिए, ये ममता बनर्जी ने कंट्रोल कर रखा है, यहाँ पे पवार जी है, स्टालिन जी है, उद्धव जी है, लालू जी है, और फिर अखिलेश जी, चलो उनका तो कन्नौज और अयोध्या वाला मामला फंसा हुआ है, और राहुल जी है। ये राहुल जी ने एक ट्वीट कर दिया, कोटा ट्वीट होता ना, एक कोटे का ट्वीट करना है तो कोटा ट्वीट कर दिया, उसके बाद ये सब लोग चुप है। ये संविधान बचाओ उनको याद नहीं आ रहा, नोटिसेस भेज रहे कॉमन सिटीजन्स को, ये संविधान बचाओ याद नहीं आ रहा कि पुलिस जो है गुंडे भेजकर वहां पर तोड़फोड़ कर रही है, और फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंस डे से पहले एक प्रोटेस्ट मार्च को इस प्रकार से बदनाम करने के लिए और हिंसा करने के लिए भेज रही है, तब इनको संविधान बचाओ नहीं याद आ रहा। आज बेटियों के साथ जो हुआ है और सिस्टमैटिक कवर अप है, राहुल गांधी का एक शब्द नहीं आया है कि ममता बनर्जी गो, अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं ममता बनर्जी पर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मित्रा, सागरिका घोष, वेर आर दी स्टॉलवर्ट्स पद्मजा जी, एक शब्द नहीं। ठीक है, अभी अभी आप राजनीति की बात कर रहे हैं, अगर
साइलेंस की बात की जाए, चुनावी चुप्पी के बारे में, चुनिंदा चुप्पी के बारे में बात की जाए, तो तेजस्वी यादव भी आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि बिहार में मुजफ्फरपुर और दरभंगा में वंचित वर्ग की नाबालिग लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, वहां पर आपकी भी चुनिंदा चुप्पी है। पर अभी अगर हम राजनीति से हट करके बात करें, एक मैं वापस आऊंगी आपके पास, पर डॉक्टर गोस्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर गोस्वामी, मैं एक बार फिर से आपसे पुष्टि करना चाहूंगी, आप कह रहे हैं कि आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है जिसके हिसाब से आप मानते हैं कि गैंगरेप हुआ है आरजीकर में। गैंगरेप का संभावना ज्यादा से ज्यादा है, क्योंकि जो निशान जो है, इंजरीज का जो निशान है, जो स्पेसिमेन कलेक्टेड हुआ, इसे एक आदमी का होने का बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए यू कैन नॉट रूल आउट गैंगरेप। So they should find for another other suspect. They should interrogate other suspects and find. But there is a high possibility that there was a gang rape. तो अगर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने देखी तो पुलिस ने भी देखी होगी, तो शुरुआत में इसको अननेचुरल डेथ का मामला बताना क्या सही है? Definitely, पुलिस ने भी, जो फैमिली मेरे को देखा है, पुलिस ने भी डेफिनेटली देखा। आज तो सीएम मैडम भी बोल दिया कि नहीं, एक आदमी नहीं यह था, उसका अंदर भी और भी आदमी हो सकता, लेकिन उन्होंने अरेस्ट नहीं किया। और सीएम मैडम ने इतना भी बोल दिया कि उन लोग जो गुंडेज है वो आए थे वो सबूत मिटाने के लिए, टू टेम्पर द एविडेंसेस, बट द एडमिनिस्ट्रेशन देमसेल्व्स, दे स्टार्टेड रेनोवेशन वर्क्स इन द क्राइम सीन, जस्ट नियर द क्राइम सीन, सो दैट वाज आल्सो एन अटेम्प्ट टू टेम्पर द एविडेंस। So what we are apprehending, we the doctors' organizations are apprehending that things are being covered up. The administration is covering up from the very first day. They were labeling it as a case of suicide. And now then postmortem trying to temper the evidences. थोड़ी और डिटेल आप हमें बता सकते हैं कि एक आपको गैंगरेप किया है। पदोजा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है, पुलिस तो पुलिस वाज क्लेमिंग दैट द रेपिस्ट, द वन रेपिस्ट दैट फर्स्ट किल्ड द गर्ल एंड देन रेप द डेड बॉडी, बट द पोस्टमार्टम रिपोर्ट सेज द अदर वे राउंड, दैट इज जस्ट द रिवर्स, दैट फर्स्ट शी वाज रेप्ड एंड देन शी वाज किल्ड ब्रूटली, एज द पोस्टमार्टम रिपोर्ट सेज ऑल दोज इंजरीज, इंक्लूडिंग द इंजरीज इन प्राइवेट पार्ट्स एंड एवरीथिंग happened anti-mortem, that is rape. First she was raped and then she was killed. So police's claim has been negated, has been denied by the postmortem report itself.